कहीं भी इस टाइप का कहीं भी मैं गारंटी देता हूं इस लेवल में एक्सप्लेन पीसीटी कोई नहीं आपको बताएगा ना कहीं इंटरनेट में आपको मिलने वाली है ये मैंने खुद डिजाइन किया है हेलो बॉयज गर्ल्स कैसे हो आप लोग तो आज अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हुआ हूँ और प्लीज ट्राई टू वॉच दिस स्टिल एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर एंड कोई बुलशिटिंग नहीं हुई कोई बकर नहीं करने वाला हूं जैसे कि आजकल काफी ज्यादा माहौल चला हुआ है कंटेंट आपको

इसमें आपको बताने वाला हूं पीसीटी के ऊपर शायद पांचवा वीडियो होगा क्योंकि तो उसमें सर्टेन एस्पेक्ट्स कवर करे हैं कहीं पर मैंने हार्मोन्स को कवर किया है जहां हमने की की बात करी है, की बात करी करी है है किसी वीडियो में मैंने पीसीटी के बाद नेचुरली कैसे रिकवरी को आगे बढ़ाना है उसके बारे में बात करी है नेचुरल हर्ब्स की बात करी है अश्वगंधा शिलाजीत की बात करी है तो उन सबके लिंक्स मैं आपको ऊपर दे दूंगा लेकिन ये वीडियो है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ पी तो मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर कर लिया है आप लोगों के साथ और देखो अगर आपको ये स्क्रीन में छोटा दिख रहा है अपने मोबाइल्स में आप देख रहे हो तो कोशिश करो कि अगर आप इसको लैपटॉप में देखने की कोशिश करो या टीवी में चलाने की कोशिश करो तो आपको बेटर इसमें दिखाई देगा और स्क्रीनशॉट जहां पर ले सकते हो आप प्लीज स्क्रीनशॉट लो और इन्फॉर्मेशन को शेयर करो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो इस सीरीज का आई थिंक पांचवा वीडियो है तो उससे पहले के जो वीडियो है उसके मैं लिंक आपको देता रहूंगा यहाँ पे आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या वो लिंक है बट पीसीटी बात करते हैं अगेन पोस्ट साइकिल थेरेपी आपने डनी तो प्रोफाइल so आपकी कोलेस्ट्रॉल फ्री टेस्टोस्टोनॉन और टोटल टेस्टोस्टोनॉल ये कम से कम ये टेस्ट आपको करवाने चाहिए और आई थिंक फीमेल्स केस में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पर एटलीस्ट जो बेसिक जो है वो यहां से आपको पता चल जाएगा अब पीसीटी में जब भी बात करते हैं हम हमेशा एच सी जी करते हैं बड़े सैकड़ों वीडियो मैंने देख लिए हैं इसके ऊपर इंडिया के भी पाकिस्तान के भी और दूसरे कंट्रीज के भी बट एक बड़ा एस्पेक्ट हमें यहाँ पे कवर करना है तो पहला पार्ट है बैलेंसिंग सेक्स हॉर्मोन्स दूसरा है डिटॉक्सिफाइंग योर लिवर किडनी इन अदर ऑर्गन तीसरा है नॉर्मलाइजिंग द कोलेस्ट्रॉल अपने कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मलाइज करना है और चौथा पार्ट है हाई ब्लड प्रेशर मूड स्विंग्स जो अदर प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं स्टेरॉइड्स के और मेडिसिन के और सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल करने के बाद तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे इसलिए मैंने इसको ब्रेक डाउन किया बड़ी मेहनत से मैंने ये अपनी अपनी नोट पैड के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए और उसके बाद मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं आपको कहीं भी इस टाइप का कहीं भी मैं गारंटी देता हूँ इस लेवल में एक्सप्लेन पी कोई नहीं आपको बताएगा ना कहीं इंटरनेट में आपको मिलने वाली है ये मैंने खुद डिजाइन किया है अब अगर बात कर लेते हैं पहले पॉइंट यानी कि बैलेंसिंग द सेक्स हॉर्मोन तो यहाँ पे जो आप लोग सब बातें करते हो वो करते हो एचसीजी की नोलवाड एक्स की क्लोमेट की तो ये वाला एस्पेक्ट कवर होता है आपके इन तीन चीजों के साथ यानी कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं जो कि अब आपने बाहर से इंजेक्ट किया या आपने ओरल डोजेस ली हैं एनाबॉलिक्स के जो मेनली टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसकी वजह से बॉडी ने आपका नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बंद कर दिया है उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए और बॉडी में जो नेगेटिव आपके ज्यादा एस्ट्रोजेंस जो बन चुके हैं बैलेंस आपका खराब हो गया है उसको सही करने के लिए धक्का मार रहे हैं हम वी आर पुशिंग द नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन प्रोडक्शन अगेन बाई यूजिंग ऑल दीज मेडिसन विच इज एच कितना होगा इसका प्रोटोकॉल टेन थाउजेंड

जो चीजें हैं जहां पे डैमेज होने की संभावना है वो है लिवर अगर आपने डायनाबॉल या फिर विंस्ट्रॉल या फिर अनावर या एनावर ओरल फॉर्म में इस्तेमाल करें हैं तो लिवर के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है और आपकी किडनी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है तो इसको कैसे हमें कम करना है मिल्क थे बहुत अच्छा नेचुरल एक हर्ब होती है जो आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है और ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में इसके प्लस पॉइंट पाए गए हैं मेरी पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपके साथ रिसर्च भी शेयर करी हैं। लीवर फिफ्टी टू हिमालय का एक बहुत ही जनरल सी मेडिसन है, है, तो तो अच्छा है। सुबह वार्म वाटर के साथ कच्ची हल्दी अगर मिल जाए तो उसको भी लेंगे तो आपकी किडनी और लीवर दोनों के लिए अच्छा होगा और हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितनी भी ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मिलती है उसका खूब इस्तेमाल करिए वो भी बहुत बहुत नहीं बल्कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में पानी 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 वाटर जितना पानी पी सकते हैं पानी पीजिए तो ये चीज आपकी चलेगी डिटॉक्सिफिकेशन नेक्स्ट थ्री फोर मंथ्स तक जब आपने अपने साइकिल को फिनिश किया है तब से और ऑब्वियसली ऑन साइकिल के ऊपर भी ये चीजें आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर ही रहे होंगे अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका एलडीएल जो है वो बढ़ जाता है अगर आप अगर आप टेस्टोस्टेरोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट ओनली साइकिल आपने चलाई है या फिर आपने ट्रेन बलोन इंक्लूड कर लिया है आपने डायनाबॉल इंक्लूड कर ली है तो इन सभी ड्रग्स के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है उसको कम करना है तो क्या करें फिश ऑयल बहुत अच्छा सप्लीमेंट है इसे कम करने के लिए आप अगर फिश को खा सकते हैं फिश अवेलेबल है आपके आसपास तो फिश ऑयल से बेटर है कि आप फिश फिश को कंज्यूम करिए डेली नहीं तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ के फिश का कंजप्शन करिए ग्रीन टी बहुत अच्छा इजीली अवेलेबल ऑप्शन है नाइसिन विटामिन बी होता है तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा और फाइबर रिच फूड यानी कि बहुत अच्छा फाइबर वाला खाना फ्रूट्स आपके ओट्स हो गए दलिया हो गया तो ये सब फाइबर रिच फूड जो है ये कोलेस्ट्रॉल को आपका कम करेंगे हेल्प करने में कितना कम से कम तीन चार महीने इन चीजों को आपको इस्तेमाल करना है अगले फिर आपका आ गया ब्लड प्रेशर अब ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने एक आपको वीडियो बताया था कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है कि जो आप सोचते हैं कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इसका लेकिन ब्लड प्रेशर कई केसेस में ऐसा होता है कि एक साइकिल को चलाने के बाद परमानेंटली आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ जाता है कई लोगों का तो उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उनका कभी कभी शूटअप कर रहा है इवन दो है दे हैव स्टॉप्ड देयर साइकिल लाइक थ्री आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर और वही आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम में तब्दील होता है तो कई सारे जो बॉडी बिल्डर्स या फिर पावर लिफ्टर्स है उनकी जो डेथ सुनी होगी वो हार्ट अटैक से होती है तो इसके लिए क्या करना है पोटेशियम मैग्नीशियम दो मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए कहाँ मिलेंगे ये ये मिलेंगे स्पिनिच में पालक टोमेटोस मशरूम आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए बादाम हो गया पीनट हो गया और अगेन वो सारे खाने जिसमें फाइबर हाई होता है तो इसको भी आपको कंटिन्यू रखना है इन सब चीजों को अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को बार बार देना है कंज्यूम करवाना है तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगला पॉइंट है कई लोगों को जेनेटिक्स की वजह से या फिर वो लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं डीएचटी बेस्ड जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है इसके ऊपर भी एक मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है पर यहाँ पे मैं दो तीन क्विक फिक्स आपको बता देता हूँ कुछ चीजें जो हेल्पफुल होती है एक तो आपका हो गया मेथी का तेल फेनोग्रिक ऑयल जैसे बोलते हैं और दूसरा एक शैम्पू जो आता है स्कैल्प प्रो आपने शायद नाम भी सुना हो इस्तेमाल भी किया और ये काफी हेल्पफुल होता है प्रो अगर हेयर थिनिंग हो रही है मतलब आपके बाल चले गए हैं तो, तो काफी मुश्किल होता है उसको दोबारा से उगाना लेकिन अगर आपके हेयर थिन हेयर पतले हुए हैं तो आपको ये मेडिकेटेड शैम्पूज ऐसे कई सारे शैम्पूज और आते हैं मेडिकेटेड तो आप उनको अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है और मेथी का तेल बहुत हेल्पफुल होता है आपको मार्केट में ही मिल जाएगा आप घर में भी कई लोग मेथी का तेल बना लेते हैं उसके अलग से आपको रेसिपीज या वीडियोस के कई लोगों ने बनाए हुए हैं तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल का मतलब होता है एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेयर आपके थोड़े थिकनेस आपको महसूस होगी हेयर के अंदर स्टे अवे किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है पीसीटी के दौरान और पीसीटी के एक दो तीन महीने के बाद भी तो वो चीजें हैं एल्कोहल शुगर यानी कि चिप्स हो गए पैक्ड फूड हो गया जो भी चीजें प्रोसेस्ड है मशीनों से निकाला गया है, तेल में बहुत डीप फ्राई किया गया है और फिर रख के उसको पैक में भरा गया है तो उनसे आपको रहना है दूर और आखिरी पॉइंट जो छोटा दिख रहा है शायद मैंने बाद में ऐड किया है पॉइंट वो है दोबारा ब्लड टेस्ट करा के देख लो दो से तीन महीने के बाद सेम के कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बॉडी ने कितना रिकवर किया है घबराना नहीं है इस चीज से अगर रिकवर कर लिया है अच्छे से तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है आपकी जर्नी जो है वो इजी हो गई है और अगर नहीं किया है तो दोबारा से आपको देखना है कि कैसे उस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं तो किसी को वो प्रॉब्लम्स अगर हैं और मैंने कई लोगों की ब्लड टेस्ट और उसकी रिपोर्ट्स भी उन्होंने मेरे साथ शेयर करी तो मैंने उनको भी देखा जितनी हेल्प मैं कर सकता था मैंने करी है पर ऑब्वियसली ये सब चीजें जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती हैं तो अगर आप प्रॉब्लम का शिकार है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और कौन सा डॉक्टर इन चीजों को सॉल्व कर सकता है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हार्मोनल सिस्टम सिस्टम होता है 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 अगर को वो वाली प्रॉब्लम हुई डॉक्टर्स एंडोक्राइन में महारत हासिल होती है जिनको जो उसके स्पेशलाइज होते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हो लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले वाले पार्ट में यानी कि बैलेंसिंग द सेक्स हॉर्मोन्स में तो उसमें आपकी मदद वही स्पेसिफिक डॉक्टर्स कर पाएंगे जो हॉर्मोन्स के स्पेशलिस्ट होंगे तो uh, ये था मैंने शॉर्ट में जितना आपको बता सकता था इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ स्क्रीन ले सकते हैं पॉज कर सकते हैं और डोजिंग की जहां तक बात है तो डोजिंग के लिए सर्च करिएगा सारे के सारे जो वीडियोस हैं डोजिंग के ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं और कमेंट में आप पूछोगे तो मैं इतना अच्छा आंसर दे नहीं पाऊंगा आप मुझे एक लाइन में लिख कि मैं ये कर रहा हूं मैं तीन महीने पहले ऐसा था पच्चीस साल का हूं और मुझे एचसीजी की डोज बता दो बड़ा मुश्किल है इसका आंसर देना या आपको खुद ही देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा अपने कंपाउंड जो होंगे वो आपके हमने क्या इस्तेमाल किए कब इस्तेमाल किए कब स्टॉप किया एच का इस्तेमाल ऑन साइकिल के दौरान भी होता है यानी कि आप अपने आखिरी या सेकेंड लास्ट वीक में हो तो एच को आप एड करना तभी शुरू कर देते हो अब कई लोग साइकिल खत्म करने के एक दो महीने बाद उसको स्टार्ट करेंगे तो शायद उतना फर्क ना महसूस हो उनको तो डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा उस चीज के लिए किसी ने बहुत हैवी साइकिल करी हुई है छह महीने से साइकिलिंग पे है वो छह महीने से यूज कर रहा है वो ट्रेन और

सच्ची सीधी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी तो शेयर जरूर करिएगा लाइक करिएगा डिसलाइक कर सकते हैं पसंद ना आए तो मिलते हैं दोबारा गुड बाय